ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 25 प्रयास संख्या 102 भागवते संबंध अभिधेय प्रयोजन चतुश्लोकिते प्रकट तार करिया छे लक्षण। श्रीमद् भागवत का सार, भगवान से हमारा संबंध, उस संबंध में हमारे कार्य तथा जीवन का लक्ष्य श्रीमद् भागवत के चार श्लोकों में, जिन्हें चतुश्लोकी कहते हैं, दिया हुआ है। इन्हीं चार श्लोकों में हर बात की व्याख्या की गई है। लेकिन अगर हम ये चार श्लोक पढ़ेंगे तो हमें इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाती है, इसीलिए वेदों में भी इस तरह से लिखा गया है लेकिन वेद हमें समझ नहीं आते, इसलिए इतनी व्याख्याएँ करी जाती हैं और इतनी स्टोरीज या इतिहास से कथाएं बताई जाती हैं। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। कई बार लोग कहते रहे तो चार श्लोक ही भगवत ही बहुत है, फिर तो ये चार श्लोक पढ़ लिया जाए, इसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें निरंतर पढ़ने की आवश्यकता है, हमें आचार्यों की पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। यदि ऐसा ना होता तो चैतन्य महाप्रभु क्यों बोलते षड गोस्वामियों की तो आप भक्ति के संबंधित ग्रंथों का निर्माण कीजिए, तो ग्रंथ ऑलरेडी हैं, चार श्लोक ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इसलिए इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि अलग अलग तरीके से जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो हमारे दिमाग में अलग अलग पहलू आते हैं और कौन सी बात हमें हिट कर जाए, वी नेवर नो। इसलिए बार बार हम लेक्चर भी सुनते हैं और बार बार हम पढ़ते भी हैं, चाहे सेम चीज़ों को भी पढ़ रहे हो। आमी संबंध तत्व अमर ज्ञान विज्ञान आमा पैते साधन भक्ति अभिधेय नाम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे संबंधों का केंद्र हूँ, ये समझने का विषय है। सारे संबंधों का केंद्र में, केंद्र का मतलब होता है कि एक तरह से आधार। यदि कोई भी रिलेशन कृष्ण पर आधारित नहीं है तो वो भौतिक रिलेशन है। इसका मतलब ये होगा कि यदि किसी रिश्ते में या किसी संबंध में या किसी भी भौतिक चीज़ में कृष्ण की अवहेलना करी जाए तो हम उस चीज़ को त्यागने के लिए तैयार हो जाएं, तभी माना जाएगा कि हम कृष्ण हमारे सारे संबंधों का केंद्र है। कई बार हम अपनी गहरी दोस्ती को इतना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं किसी भी चीज़ में कि किसी व्यक्ति के अपराध किए जाने पर भी कुछ ऐसे काम, और गलती तो सबसे होती है, गलती करने पर हम किसी को नहीं त्यागते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर विद्रोही बन जाता है उसके बाद भी उसके साथ बने रहना दिखाता है कि हमारा रिश्ता उस व्यक्ति के साथ कृष्ण पर आधारित नहीं है। हमारा रिश्ता अपना एक भौतिक रिश्ता है, तो हमें तुरंत उसको त्यागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेरे संबंध में ज्ञान तथा उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान के विषय में जो जानता नहीं है वो अनपढ़ है, वास्तव में अनपढ़ की नई डेफिनेशन होनी चाहिए। अब बताइए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में अनपढ़ लोग बड़े हैं या अनपढ़ लोग कम हुए हैं? तो आपको दिखेगा कि अनपढ़ लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। जो कृष्ण के विषय में नहीं जानता, भगवान कह रहे हैं, वो इसका एक प्रकार का अनपढ़ है, क्योंकि उनके विषय में जानना और उसका व्यवहारिक उपयोग वास्तविक ज्ञान है। कुछ लोग जानते नहीं हैं, जानते तो हैं, पढ़ दिए किताबें बहुत सारी, लेकिन ना तो भगवान की आरती करते हैं, ना भगवान का नाम जपते हैं, ना भगवान को भोग लगाते हैं, ना भगवान की कथाओं को गाते हैं, ना प्रचार करते हैं, ना दान देते हैं, ना तपस्या करते हैं, या इनमें से हम जो भी नहीं करते हमें उस पर सोचना चाहिए कि हम इनमें से क्या नहीं करते। तो ज्ञान और उसका व्यवहारिक उपयोग ही वास्तविक ज्ञान है, भगवान के संबंध में ज्ञान। अदरवाइज वो व्यक्ति क्या है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है। भक्ति के लिए मेरे पास आना अभिधेय कहलाता है। भगवान के पास जो अभिधेय, जितने भी भक्ति के प्रोसेस हैं उसमें हम भगवान के पास जाते ही हैं। जो अभी अभी हमने चर्चा करी है ये सारे अभिधेय हैं। तो संबंध हो गया, संबंध का ज्ञान ही ज्ञान है, और अभिधेय हो गया, अभिधेय भक्ति के प्रोसेस को कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है परम सत्य को तीनों रूपों में समझना, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूरी तरह जान लेना। अंत में जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, उनकी सेवा करता है, तो उस ज्ञान को विज्ञान या विशेष ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कहते हैं। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य प्रयोजन प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना अभिधेय कहलाता है।
साधनेर फल प्रेम मूल प्रयोजन से ही प्रेमे पाए जीव अमर सेवन। सेवा करने से मनुष्य क्रमशः भगवत प्रेम के पद पर उठता है, जिसको हम मुख्य लक्ष्य कहते हैं, प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन जीवन का मुख्य लक्ष्य है। भगवत प्रेम के पद पर मनुष्य भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से लगा रहता है। एक बार भगवान का प्रेम पा लेने के बाद, इस टेस्ट को चखने के बाद, मनुष्य इसमें लगा ही रहता है। हम देखते हैं इस्कॉन के कितने ऐसे सन्यासी अभी हैं जो 50 साल से सर्विस कर रहे हैं, 40-50 साल से। सोचिए, अब शरीर जीर्ण हो चुका है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि इतनी आसक्ति है उससे। हाँ, यही आसक्ति जीवन की सफलता है। एक बार इस स्थिति पर आने पर व्यक्ति शाश्वत रूप से उसमें लगा ही रहता है। और भगवान के धाम में भी हमारा इटर्नली यही काम है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेवाओं को झीक के ना करें जबरदस्ती। मतलब शुरुआत में तो हम जबरदस्ती करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव पैदा हो तो ऑब्जर्व करना चाहिए हमें, कौन सी सेवा है। माना हम आरती की सेवा कर रहे हैं, क्या हम भाव से कर रहे हैं या निपटा रहे हैं। उसी तरह जप है, जैसा हम अक्सर बताते हैं, हम जप को एक होता है बैलेंसिंग फिगर होती है अकाउंटेंसी में। हाँ, बैलेंसिंग फिगर पता है क्या है? जैसे कि टोटल 10,000 रुपये हैं आपके पास, 5,000 का ये सामान खरीद लिया, 3,000 का ये सामान लिया, बैलेंसिंग फिगर जो बची वो बैलेंसिंग फिगर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। उसी तरह से हमारा जप का समय एक बैलेंसिंग फिगर है। अगर सवेरे एक घंटा बचा है तो एक घंटे में कैसे 16 हो जाए। हाँ, एक घंटे में 16 भी हो जाती है, एक घंटे में 10 भी हो जाती है, एक घंटे में 5 भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास टाइम कितना है। तो इसका मतलब हम जप को निपटा रहे हैं, उसको श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही बाकी सारे काम सोच लीजिए। अक्सर मैं देखता हूँ भोग लगाना तो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन ही जाता है। घर में अक्सर मैंने लड़ाइयाँ होती है, देखिए तू लगाएगा भोग, तुम लगाओगे भोग, तुम लगाओगे भोग। जैसे कि नरक में यमराज जी को भोग लगाने जा रहे हैं और कहीं यमराज ने दृष्टिपात कर दिया तो हम जल जाएंगे, ऐसा। तो इसका मतलब भक्ति के प्रोसेस सारे ऊपरी तौर पर हो रहे हैं, हृदय से नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, प्रयोजन को समझना पड़ेगा। इन सारे कामों के पीछे प्रयोजन था भगवत प्रेम के पद पर उठना। प्रेम तभी होता है जब भक्तिमय प्रेममय सेवा करी जाती है। सेवा और प्रेममय सेवा में अंतर है। सर्विस एंड लविंग डिवोशनल सर्विस को हम कहते हैं, इसमें अंतर है, ये समझना पड़ेगा। प्रेममय सेवा में हम ऊबते नहीं हैं, हम झीकते नहीं हैं, हमें फॉलो अप नहीं करना पड़ता है, बल्कि हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है करने की। और शुरुआत में ये नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं हम कि क्या ऐसा लेश मात्र भी पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्लाइटेस्ट भी ऐसा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज इट्स यूजलेस एक्टिविटीज़, मैकेनिकल बना दिया हमने, इसलिए बार बार ये कौन देखेगा, ये केवल हम देख सकते हैं और कोई देख नहीं पाएगा। किसी को क्या पता कि आरती करते हुए भाव क्या आ रहा है। आप देखते हैं कई बार आरती भी बैलेंसिंग फिगर हो जाती है, मतलब कभी कभी हमारी आरती में हाथ ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे, और कभी कभी ऐसे घूमता है, क्योंकि वो टाइम जो है 3 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है। कभी भोग एकदम आराम से लगता है, कभी घंटी भी उतरे। तो इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण भी ऐसे होता है। ये सब बात है, प्रयोजन का हम बात कर रहे हैं कि प्रयोजन हमारा कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसका अल्टीमेट पर्पज़ बताना चाहिए क्या है। कोई टोटका नहीं है, जैसे हम लोग रिचुअलिस्टिक थे पहले, भक्ति माने से पहले बहुत सारे रिचुअल करते थे, अब हमने भक्तिमय यहाँ पर वाक भी वही रिचुअल शुरू कर दिए, जिसमें कि कोई अंदर से हृदय से प्रेम नहीं है। हाँ, हमारी अटैचमेंट संसार से इतनी है कि हम अपने बच्चों को बड़े प्रेम से फिर भी खिला लेते हैं, लेकिन भगवान को प्रेम से नहीं सेवा कर पाते। तो भगवत प्रेम के पद पर ऊपर उठना जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और एक बार अगर इसको कोई अगर चख लिया किसने, फिर वो रुकता नहीं है, लेकिन हमने चखा नहीं है, प्रॉब्लम यह है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्विता समन्वितम सारस्यम तदंगम च गृहार गृहाण गदितम मया। मैं जो तुमसे जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में दिव्य ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्य से पूर्ण है। कोई नॉवल, कोई ऐसा सनसनीखेज चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बड़ी रहस्यों से पूर्ण हैं,
वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं, खासतौर पर प्रभुपाद ने तो इसको साबित किया कि इट इज़ साइंटिफिक, जो कि बिल्कुल तथ्यों द्वारा प्रूव किया जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का ये उदाहरण है जिसमें बताया जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। ए ऐ तिन तत्वामी कहीं नो तुम्हारे जीव तुम्हें ऐ तिन नारी बजानी बारे। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें यह सारा सत्य बताऊंगा क्योंकि तुम जीव हो, अतः मेरे बताए बिना तुम मेरे साथ अपने संबंध, भक्ति कार्य तथा जीवन के आखिरी पर्याय को नहीं समझ पाओगे। यानी कि बताए जाने की आवश्यकता है, इसीलिए हम गुरु परंपरा चलाते हैं। और हमारे प्रथम गुरु हमेशा हर हाल में, किसी भी परंपरा के प्रथम गुरु एक ही है, वह है कृष्ण। कृष्ण ने फिर आगे शिव जी को बताया, उधर लक्ष्मी जी को बताया, उधर चार कुमारों को बताया, उधर ब्रह्मा जी को बताया, लेकिन इन चारों अल्टीमेटली इन सबका आदि गुरु एक ही है। तो ये इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि बताया जाना बड़ा विषय इंपॉर्टेंट है। अपने आप से अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो भक्ति करता रहेगा और समझ में आ जाएगा, यहाँ बता रहे हैं तुम जीव हो, हम जीव हैं, यानी कि हमारी लिमिटेड सेंसेस है, हम नहीं समझ पाएंगे अनलिमिटेड को, जब तक कि वो अनलिमिटेड हमें कैपेसिटी ना प्रदान करे, जब तक वो हमें बताए नहीं, क्योंकि गुरु माध्यम, गुरु परंपरा के माध्यम से हमें बताते हैं। यही छे हमारा स्वरूप, यही छे हमारा स्थिति, यही छे हमारा गुण कर्म षड ऐश्वर्य शक्ति। मैं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी स्थिति, गुण कर्म तथा छह ऐश्वर्य बताऊंगा। छह ऐश्वर्य भगवान अपने छह ऐश्वर्य बताएंगे, जो कि हम कृष्ण में पूरी तरह से देखते हैं। हमारे कृपा यही सब स्वरूप तुम्हारे, एत बलि तीन तत्व कहिला तहारे। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, मेरी कृपा से ये बातें तुम में जागृत होंगी, या कि अगर भगवान ब्रह्मा जी को तीनों तत्व बताने लगे। यावन हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात। मेरी अहेतुकी कृपा से मेरा व्यक्तित्व, विविध रस गुण तथा लीला, ये सभी तुम्हें प्रकाशित होंगे। इसलिए कहते हैं कि दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, खोजा नहीं जाता है, ये खोज नहीं सकते आप इसको, ये कृपा से मिलता है। जैसे हम बोलते हैं कि यस्य प्रसाद और भगवत प्रसाद, ये कृपा, जितना हम हम्बली अपने आप को सरेंडर करेंगे उतना हम किसी के हृदय को पिघला पाएंगे। ये संसार में भी आप देख सकते हैं, जितना हम अकड़ेंगे, जितना हम अपने आप को साबित करेंगे नहीं बोलूंगा तो मुझे दबा दिया जाएगा, अक्सर लोग इसलिए बोलते हैं, चुपचाप सहन करता रहूंगा, चुपचाप सेवा करता रहूंगा तो मुझे दबा देंगे ये लोग सारे मिलके। तो हो सकता है आप अपने आप को दबाने से बचा लो, लेकिन कृपा भी प्राप्त नहीं होगी ना। भगवान को अट्रैक्ट करने का यही तरीका है, इसलिए गोपियाँ पिस गई। देखा जाए तो संसारी लोग कहते हैं बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय किया गया, जिन गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया किसी व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति उन्हें छोड़ के चला गया, कितना गलत है। लेकिन यही भाव अल्टीमेटली भगवान को अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो द्वारका में जाकर भी गोपी गोपी करते रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु आकर भी गोपी गोपी करते रहते हैं। किसी के हृदय को पिघलाने का यही तरीका है, जेन्युइनली अगर हम सरेंडर करें, हम हम्बली नॉट अथॉरिटेटिवली, तो ये बता रहे हैं। तो क्या मिलता है, तो अहेतु की कृपा मिलती है, और फिर विविध रस गुण लीला सब समझ में आने लगता है, अदरवाइज नहीं समझ में आता। सृष्टि पूर्वे षड ऐश्वर्य पूर्ण आमित हैया प्रपश्च प्रकृति पुरुष आमाते ही लय लय। भगवान ने कहा इस सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व मैं विद्यमान था, ये उच्चतम श्लोकी का पहला भी श्लोक है, और समग्र भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति तथा सारे जीव मुझमें स्थित थे। तो कृष्ण से ही सब कुछ निकला है, वास्तव कृष्ण में ही सब कुछ है, फिर भी कृष्ण का अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं, इसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। सृष्टिकारी तार मध्य आमी प्रवेशिया प्रपंच ये देख सब से ही आमी हैया। इस सृष्टि की रचना के बाद मैंने इसमें प्रवेश किया, जबकि हमने कई बार इसको बड़ा डिटेल में चर्चा किया है श्रीमद् भागवत में, कि कैसे केवल सामान जुटा देने से खाना बन नहीं जाता है, जब तक कोई जीव जाके उन तत्वों का मिश्रण नहीं करता है। सब्जी काटता है, पैसे मसाले को अलग अलग पड़े मसाले डब्बों में, उन मसालों को डालता है, हिलाता है, फिर कुछ डालता है, फिर हिलाता है, फिर कुछ डालता है, फिर हिलाता है, फिर ढक देता है। तो इसी तरह से संसार में तत्व तो आ गए थे, कारणोदक साई विष्णु ने सारे मेटीरियल अवेलेबल करा दिए, ले जी रोड़ी बदरपुर सीमेंट ये सब कुछ दे रहा हूँ तुम्हें। अब क्या है, उसके बाद भगवान को उसमें एंटर करना पड़ा, तब जाके कुछ चीज़ें बनी। तुम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हो मेरी शक्ति का विस्तार मात्र है। प्रलय अविशिष्टामी पूर्ण हैया,
प्राकृत प्रपंच पाए आमाते ही लय। जब सारे ब्रह्मांड का लय होता है यानी कि विनाश किया जाता है, तब मैं पूर्ण रूप से बचा रहता हूँ, बचे ही रहेंगे। भगवान मैटर है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करते, यहाँ तक कि जीव भी नहीं मरते। हाँ, जीव अपना शरीर जरूर त्याग देते हैं प्रलय के समय, लेकिन मरते नहीं। हमने सुना आंशिक प्रलय में कैसे वो गर्भोदकसाई के शरीर में चले जाते हैं विष्णु के, तो समाप्त नहीं होते, नहीं वो घुल जाते हैं, वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। देन वेट कि ब्रह्मा जी कब से फिर से क्रिएशन करेंगे और फिर कब इनको डाला जाएगा ताकि ये अपने इच्छाओं को, बची हुई इच्छाओं को पूरा कर पाएं। तो तब मैं पूर्ण रूपेण बचा रहता हूँ और देखने वाली हर वस्तु पुनः मुझ में सुरक्षित हो जाती है। भगवान वाइंड अप कर देते हैं गेम को। ओके, गेम वाइंड अप करा जाए, है ना, बच्चे खेलते हैं ना कई बार, वो व्यापार गेम आता था, नोट है और पूरी टिकटें हैं, वहाँ पहुँच रहा है, किसी ने कानपुर खरीद लिया, किसी ने लखनऊ खरीद लिया है, हम सोचते हैं हमने लखनऊ खरीद लिया होता है, हाँ थोड़ी देर में होता है जी बंद करो, अभी लखनऊ कानपुर सारे नोट एक जगह रखो, ख़त्म गेम। इस तरह से तो संसार में हम भी सोचते हैं हमने ये खरीद लिया है, हाँ हमने लखनऊ ही नहीं खरीदा तो लखनवी सूट तो खरीद लिया, और उसके बाद एक दिन बड़ी बुरी बात लगेगी सुनने में, लेकिन एक दिन वो सूट हमारे ऊपर चढ़ा दिया जाता है अंतिम समय में। तो इस प्रकार से सब वाइंड अप हो जाता है और एक दिन सभी समाप्त हो जाते हैं। तो जहाँ से निकले थे वहीं सब चले जाते हैं। अमेवा समग समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यद यदे तश्चच्च यो यो अविशेत सोस्यमहम। सृष्टि के गुरु केवल मैं रहता हूँ और कोई अन्य चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो नहीं रहता, सृष्टि के बाद भी हर वस्तु में रहता हूँ मैं ही रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत बना रहता हूँ। श्रीमद् भागवतम से ये लिया गया। आमेव श्लोके अहम तीन बार पूर्णेश्वर्य श्री विग्रह स्थितिर निर्धार। अहम एव से प्रारंभ होने वाले श्लोक में अहम शब्द तीन बार आया है। प्रारंभ में अहमेव शब्द, दूसरी पंक्ति में पश्चात अहम शब्द है और इसके अंत में सोस्य अहम शब्द आए हैं। यह अहम परम पुरुष का सूचक है। आप अगर देखेंगे भगवद्गीता में भगवान बहुत बार बोलेंगे अहम 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 माम अहम माम, विच वेरी क्लियरली शोज दैट कृष्णा इज सेइंग फॉर हिमसेल्फ। इसमें अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अहम का मतलब भी यहाँ बता रहे हैं। यह अहम परम पुरुष का सूचक है। अहम की पुनरावृत्ति से छह ऐश्वर्यों से युक्त दिव्य पुरुष की पुष्टि होती है। ये विग्रह नाही माने निराकार माने तारे तिरस करी बारे करीला निर्धारण। निर्विशेषवादी परमेश्वर के व्यक्तिगत लक्षणों से युक्त साकार रूप को नहीं मानते हैं। इस श्लोक में परम पुरुष इस पर इसलिए बल दिया गया है जिससे वे इसे स्वीकार करने की आवश्यकता को समझें। इसलिए अहम शब्द तीन बार आया है। किसी बात पर बल देने के लिए तीन बार कहना पड़ता है। बड़ा क्लियरली बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, भागवत में गीता में बार बार अहम शब्द का प्रयोग होता है और भगवान बोलते हैं, हाँ कितनी बार बोलते हैं सर्वस्य चाहम, वहाँ भी बोलते हैं कि सभी जगह मैं हूँ और सर्वधर्मान परित्यजे माम माम मेरे मेरा अहम मैं, तो यहाँ बिल्कुल क्लियरली होता है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि निर्विशेषवादियों को समझना चाहिए इसके बारे में कि उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान है वास्तव में। यही सब शब्द है या ज्ञान विज्ञान विवेक माया कार्य माया हिते आमी व्यतिरेक। भगवान कृष्ण आगे कहा इन सारे शब्दों में वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान तथा उसके व्यवहारिक उपयोग पर विचार किया गया है। यद्यपि बहिरंगा शक्ति मुझसे उत्पन्न है किंतु मैं उनसे अलग हूँ। मैं शक्ति नहीं हूँ, मैं शक्ति को धारण करने वाला हूँ। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान एक शक्ति हैं एक दिव्य ज्योति हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि मैं उसको धारण करने वाला हूँ, मैं वो शक्ति नहीं हूँ। आप सब इंस्पेक्टर को क्या कहते हैं उसको थुल्ले को कमिश्नर नहीं बोल सकते या पुलिस की शक्ति है सरकार नहीं बोल सकते, लेकिन वो सरकार है भी और वो सरकार नहीं भी है। वास्तव में वो शक्ति है जिसको धारण करने वाला कोई व्यक्ति होता है। यही छे सूर्य स्थान भाषाए आभास सूर्य बिना स्वतंत्र तार ना है प्रकाश। कभी कभी सूर्य के बदले सूर्य के प्रतिबिंब का अनुभव किया जाता है किंतु सूर्य का प्रकाश कभी भी सूर्य से स्वतंत्र होकर संभव नहीं हो सकता। तो जो लोग केवल सूर्य के प्रकाश को माने पूजें और सूर्य को ना माने तो मूर्ख कहे जाएंगे या मतलबी लोग कहे जाएंगे।
जो कि शक्ति, हाँ कई बार लोग करते हैं ऐसा क्योंकि शक्ति से उन्हें फायदा दिखता है डायरेक्ट। जैसे देवता हैं, लोग देवताओं की पूछ क्यों, देवता क्या है, भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी लोग केवल देवताओं के पास जाना चाहते हैं क्योंकि उनसे मिलता है डायरेक्टली, है ना। इसी तरह से कई बार आप देखते हैं कोई व्यक्ति की बड़ी पूछ हो रही है, कहते हैं ना उगते को सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसके बाद आज पोजीशन है, पद है। जैसे ही वो पद खत्म हो जाता है लोग पूछना बंद कर देते हैं, और उस पद पे कोई नया व्यक्ति आता है उसको पूछने लगते हैं। इसका मतलब लोगों को उस व्यक्ति से मतलब नहीं था कभी भी, लोगों को तो उसकी शक्ति से मतलब था, है ना, कि उसकी इतनी शक्ति है, हमारा इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, अपने फायदे के चक्कर में हाईएस्ट आदमी के पास पहुंचना चाहते हैं। जब भी उन्हें कोई बड़ा आदमी मिलता है तो उससे अप्रोच करना चाहते हैं, उससे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े काम आएंगे वो कई चीज़ों में। हाँ, भक्ति में भी हमें ऐसा सोचना चाहिए। हम सोचते हैं इनसे जान पहचान होगी तो किसी उत्सव में बिना लाइन पे आगे लग जाऊँगा, आगे पहुँच जाऊँगा। हाँ, कई मुझे स्पेशल इन्विटेशन मिल जाएंगे, मेरे कई सारे काम हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं हमारे बच्चों की शादियाँ वादियाँ सब हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएगा, यही सोच के आते हैं, यही सोच के चले जाते हैं। तो ये सब सोचने का विषय, इसका मतलब हमें शक्ति से मतलब था, शक्ति धारण करने वाले से नहीं था। इसलिए संसार में लोग शक्ति के पुजारक पुजारी ज़्यादा हैं, माँ दुर्गा के, शिव जी के, देवताओं के पुजारी ज़्यादा हैं और कृष्ण के कम हैं। इसी से साबित होता है कि वो उस शक्ति के को पूजते, वास्तव में वो देवताओं के भी नहीं है, वो दुर्गा माँ के भी नहीं है, वो तो उनकी शक्ति के कारण उनके पास पहुँच रहे हैं। माया तीत हई लेहया अमर अनुभव यही संबंध तत्व कहीं लू सुनार सब। दिव्य पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति मेरा अनुभव कर सकता है, कर सकता है। यस, ऐसा नहीं है कि भगवान कोई ऐसा विषय है जिसका आप अनुभव नहीं कर सकते। ये काल्पनिक बातें हैं, ये एक क्या अंधविश्वास की बातें हैं। हाँ, भावुक लोग इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। वास्तव में भगवान का अनुभव किया जा सकता है, बहुत ही आराम से किया जा सकता है। यह अनुभव परमेश्वर के साथ संबंध का आधार है। हाँ, वास्तव में जब ये संबंध होता है तो अनुभव होता है, संबंध नहीं होता है तो अनुभव नहीं होता है। किसी व्यक्ति से जब अचानक से संबंध बनता है, जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, हाँ जैसे कि माना आप मिलिट्री में हो, आप कई महीनों बाद घर में आए, घर में आपने देखा, घर में आप क्यों आए, क्योंकि आपकी पत्नी के बच्चा हुआ है, लेकिन आप कहीं गांव में, आपको क्या पता आपका बच्चा कौन सा है। आपने किसी बच्चे को देखा, उसके प्रति आपका भाव नहीं आया क्योंकि वहाँ पर 3-4 बच्चे थे। जैसे ही आपको पता ये आपका बच्चा है, ओहो ये मेरा बच्चा है, सारे भाव पैदा हो गए। तब तक पैदा नहीं हो रहे थे संबंध, हालांकि ये संबंध तो इल्यूजरी है, ये कृष्ण पर आधारित होना चाहिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो संबंध स्थापित करें, जैसे ही हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, और इसीलिए कृष्ण का हूँ तो कृष्ण के संबंधियों से मेरा प्रेम जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम, किसी व्यक्ति से प्रेम करने का मतलब है उस व्यक्ति से संबंधित हर वस्तु का से प्रेम करना, घृणा न करना, तो वास्तविक प्रेम है, नहीं तो कंडीशनल प्रेम है। मैं उसके संबंधियों से इसलिए माना नहीं रखता हूँ क्योंकि उनका मेरे साथ बिहेवियर ठीक नहीं है, इसका मतलब आधार फिर से मैं हो गया, ये समझने का विषय है। तो इसलिए कृष्ण से अगर हमें प्रेम है तो कैसे कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से हम प्रेम पैदा करें, क्योंकि आधार कृष्ण है, केंद्र कृष्ण है, ये समझना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत विचारों को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो अभी भी हम अहंकारी और झूठ बोलते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। दिव्य पद वाला व्यक्ति मेरा अनुभव कर सकता है, दिव्य पद वाला, और यह अनुभव परमेश्वर के साथ संबंध का आधार है। संबंध स्थापित करना ही सबसे पहला कदम है, मैं इस विषय में और आगे बताऊंगा, ऐसा बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान तो प्रमाणिक शास्त्रों से प्राप्त होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का अनुभव किया जा सकता है। तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान कोई भी ज्ञान अधूरा है, क्योंकि जिसने भी तर्क दिया उसका बुद्धि लिमिटेड है ना। कोई व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो भगवान के सामने कुछ नहीं है वो, इसलिए उसका ज्ञान कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह परंपरा पद्धति से गुरु से ज्ञान प्राप्त करे, अन्यथा यह परंपरा से, अब गुरु भी कौन है जो परंपरा की बात बताता है, वही वास्तविक गुरु है, अन्यथा वह मोहग्रस्त होकर अन्य में अंत में निर्विशेषवादी बन जाएगा। जब मनुष्य अत्यंत बारीकी से छानबीन करता है तब वह परम सत्य के व्यक्तिगत लक्षणों की अनुभूति कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम छानबीन बारीकी से करता है अंडर अ गाइडेंस, जैसे कि आप PhD भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो भी किसी के गाइडेंस में करते हैं, इंडिपेंडेंटली रिसर्च नहीं करते आप।
जब मनुष्य अत्यंत बारीकी से छानबीन करता है, इस प्रकार से वो लक्षणों का अनुभूति कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं। नारायण परो व्यक्तात्, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण सदैव दिव्य रहते हैं। भौतिक जगत की उपज ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति के बिना यह नहीं समझा जा सकता कि भगवान का दिव्य स्वरूप सदैव सृजनात्मक शक्ति के परे है, क्रिएटिव एनर्जी के परे है। इसलिए भगवान के शरीर का निर्माण नहीं किया जा सकता। कृष्ण के शरीर का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही कृष्ण को कोई शिकारी मार सकता है। ये मूर्खता है। यहाँ पर सूर्य तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण दिया गया है। सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है, फिर भी सूर्य प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है। जो बहिरंगा शक्ति के पूर्णतः वशीभूत होता है वह अचिंत भेदाभेद दर्शन को नहीं समझ सकता। ये एक साथ दोनों चीजें हैं। मेरे बिना जो सत्य प्रतीत होता है, रिते अर्थम यत प्रतीयते प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा आत्मा। भागवत से लिया गया, मेरे बिना जो सत्य प्रतीत होता है, जिस वस्तु को आप रियल मानते हो, जो कि मेरे से रिलेटेड नहीं है, वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति है। भ्रामक शक्ति का नाम ही भ्रामक, माया। प्रभुपाद कहते हैं विच इज नॉट, जो नहीं है उसको प्रतीत होना माया है। भ्रामक, हमें भ्रमित कर देती है। कितना रंगीन है ये समाज, ये संसार। इसकी रंगीनियत बढ़ाएं, यहाँ पे इन्जॉय करें। थोड़े दिन का समय है, हाँ थोड़े दिन इन्जॉय कर लो। तुम लोगों ने तो इन्जॉय कर लिया, बच्चों को नहीं करने दे रहे हैं। हाँ क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा शादी करने का, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा पैसे कमाने का, यदि तुम इन्जॉय नहीं कर रहे हो। हाँ भ्रामक शक्ति, कई बार हम इसको सच ही मान लेते हैं। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, ना खा पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, ऐसे भ्रामक। ये इसका काम यही है, हाँ इसका काम यही है, भ्रामक शक्ति। भक्तों के संग में हम इस भ्रामक शक्ति से बचे रहते हैं, नहीं तो कोई बच नहीं सकता इस भ्रामक शक्ति से। जो मेरे बिना जो सत्य प्रतीत होता है, जिस चीज़ में आप कृष्ण को नहीं मान रहे हो, वो भ्रामक है। क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व तो है ही नहीं, हाँ। लेकिन हम बिना कृष्ण को वहाँ से निकाल कर उसको भोगना चाह रहे हैं। यह माया छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में ना तो छाया है ना ही प्रतिबिंब होता है। अभिधेय साधन भक्ति सुन विचार सर्वजन देश काल दशाते व्याप्ति। यार अब मुझसे भक्ति की विधि के विषय में सुनो। अभिधेय संबंध तो सब साबित हो गया कि हम भगवान के नित्य दास हैं, उनके अंश हैं और वही स्वामी हैं। संबंध स्थापित हो गया। वो स्वामी बड़ी तरह अलग अलग तरीकों से हमारे साथ रिश्ते बनाते हैं, कभी दास के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी प्रेमी के रूप में, कभी पिता माता बच्चे के रूप में। तो ये सब हैं। अब कैसे उनके साथ रिलेशन को करना है बता रहे हैं। जो किसी भी देश में ये अभिधेय करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत में करा सकता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं या कोई और नहीं कर सकता है। किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में इसको करा जा सकता है। भागवत धर्म का प्रचार सभी परिस्थितियों में, सभी लोकों में तथा सभी देशों में किया जा सकता है। अनेक ईर्ष्यालु लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर आरोप लगाते हैं कि ये हिंदुत्व की कोष की शुद्धता को नष्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं ये हिंदू धर्म का प्रचार करा जा रहा है, कई कहते हैं कि हिंदू धर्म को का विनाश किया जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि भगवान की भक्ति भागवत धर्म जो अब हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में चल रहा है, हर देश में, हर व्यक्ति के लिए, किसी भी दशा में, किसी परिस्थिति में, सबके लिए है। भागवत धर्म हिंदू समाज के शुद्ध भक्तों तक ही सीमित नहीं है। शुद्ध भक्त ब्राह्मण से बढ़कर है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा इत्यादि भक्तों में को जनेऊ प्रदान करना असंगत नहीं है। कभी कभी इन शुद्ध भक्तों को, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है, भारत के कुछ मंदिरों में प्रवेश करने चाहते हैं लेकिन उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। कुछ कुलीन ब्राह्मण तथा गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिरों में प्रसाद ग्रहण करने से मना कर देते हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के विरुद्ध है। भक्त किसी भी जाति और देश के हो सकते हैं। इस श्लोक में के बल पर जो श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक भक्त हैं, अनुयायी हैं, उन्हें विश्व के सारे देशों के भक्तों द्वारा शुद्ध वैष्णव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्हें बनावटी रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत में कितने उन्नत हैं और वे किस तरह विग्रह पूजा, संकीर्तन और रथ यात्रा करते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए ईर्ष्यालु व्यक्ति को द्वेषपूर्ण अत्याचारों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ना तो इस झगड़े में पड़ी। कहने का मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि संसार को समझना चाहिए कि चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभागशा, कि ये जो भी आपने बनाए हैं वर्णाश्रम, ये गुणों के आधार पर है। इसीलिए आजकल के हमारे यंग जनरेशन भक्ति छोड़ती जा रही है, क्योंकि वो देखते हैं ब्राह्मण हैं उधर से
ऐसे ऐसे करे जा रहा है, मुंह में कुछ रख रहा ब्राह्मण है, उधर से मांस खा रहा है, सारे काम तो कर रहे हैं ब्राह्मण, सारा नशा कर रहा है, हर कोई कर रहा है, कहते हैं क्या सब ढोंगे, इसीलिए उनको लगता है ढोंगे। इसीलिए आज की डेट में इस कौन में इतने सारे यूथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शुद्धता दिखती है, उन्हें ढकोसला नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लॉजिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दिख रहा है, जैसे प्रभुपाद ने बताया। हाँ, यही यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। ब्राह्मण कौन है जो क्या है, तपा दमा सपा शौचम इत्यादि, जो शुद्धता से जीता है, ह्यूमिलिटी अपने अंदर पैदा करता है, फॉरगिवनेस पैदा करता है, टॉलरेंस पैदा करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, दूसरों को शास्त्रों का अध्ययन कराता है, दान करता है, दान कराता है, लोगों को भगवान की भक्ति में लगाता है, वो ब्राह्मण है, ना कि जिसका सरनेम कुछ हो जाए तो वो ब्राह्मण रहता है। फिर तो सरनेम के आधार पर एक जज के बच्चे को बोल देना चाहिए ये आगे आने वाले जज हैं जी, बस ये अभी जज इन द मेकिंग, अभी छोटे हैं, चड्डी पहनते हैं, बट ये जूनियर जज हैं, थोड़े दिनों में ये जजमेंट पास करेंगे क्योंकि ये इनके बेटे हैं, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। तो ये है डॉक्टर का बेटा, हाँ जी ये आज डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में एक छोटा सा बच्चा भी आया कैंची लेके, ये जी कौन है, इनका बेटा है, मतलब आगे डॉक्टर बनेगा, अभी हल्का सा काटेगा साथ साथ, हाँ सीख जाएगा थोड़े सालों में, पिताजी के बाद में ये पिताजी की गद्दी लेगा और ये हेड डॉक्टर बनेगा यहाँ का। ऐसे ऐसे तो नहीं करते हम, क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि पहले तो क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को समझा रहे हैं, आप इस पचड़े में मत पड़ो, इस झगड़े में मत मत करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें ब्राह्मण का दर्जा दो, ये सब लड़ाई झगड़ा करना हमारा काम नहीं है। हम भगवान की भक्ति करेंगे, यदि हमें कहीं नहीं घुसने दिया जाएगा तो नहीं घुसेंगे, चुपचाप भगवान की भक्ति करेंगे, और क्योंकि हमारा तो नेचर यही है, दूसरे के नेचर को चुरा के हम उनका नेचर पान लेंगे तो हमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त बड़े ही हम्बली रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के बाहर आने का वेट करते हैं, यदि उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है तो बाहर से ही इंतज़ार करते हैं, एक साल तक जगन्नाथ जी आएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।